पाकिस्तान के नागरिक सीमा हैदर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भगवत व अन्य को रक्षाबंधन से पहले राखियां भेजी हैं। इस साल नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई सीमा ने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी राखियां भेजी है। हैदर का एक कथित वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही ये राखियां भेज दी हैं ताकि वे समय पर मेरे प्रिय भाइयों तक पहुंच जाए जिनके कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी है। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक और वीडियो में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ राखी पैक करती दिखाई दे रही हैं। हैदर ग्रेटर नोएडा के निवासी अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। वह मई में अपने 4 बच्चों के साथ आई थी और गुपचुप तरीके से रबुपुरा इलाके में किराए के मकान में रह रही थी। हैदर और मीणा ने 2019-20 में ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए संपर्क में आने का दावा किया था। उन्हें इस साल 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था लेकिन स्थानीय अदालत ने 7 जुलाई को उन्हें जमानत दे दी। दोनों तब से ग्रेटर नोएडा में एक साथ रह रहे हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस और उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ता मामले की जाँच कर रहा है।